योगा करके ओवरी सिस्ट की समस्या को जड़ से दूर करें। आइए साथ में योगा करें। चक्की चलानासन से शुरुआत करते हैं। लेग्स को सामने स्ट्रेट करके दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करें। अपनी बॉडी को पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट दें। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ सेकंड्स के लिए मूवमेंट देना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज में मूवमेंट देना है। बॉडी को पूरा मूव करना है, फुट के आगे तक ले जाना है और अपने बैक को पीछे तक ले जाना है। चक्की चलान आसन योगा करने से हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स की मसाज होती है, जिसके कारण हमारे पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, ओवरी सिस्ट ठीक होते हैं। 2 से लेकर 3 मिनट तक डेली करें। अब लेग्स को दोनों तरफ अपोजिट डायरेक्शन में फैला लें, जितना आप फैला सकते हो उतना फैलाएं और चक्की चलान आसन फिर से करें। चक्की चलान आसन 2 तरह से होती है। एक तो लेग्स को ज्वाइन करके हम बैठते हैं सामने स्ट्रेट रख के, और दूसरी लेग्स को दोनों तरफ फैलाकर रखते हैं। इसमें हमें ज़्यादा लाभ मिलता है क्योंकि इसमें हमारी एब्डोमिनल मसल्स में खिंचाव होती है, अच्छी तरह से मसाज होती है, जिसके कारण ओवरी सिस्ट जैसी समस्या दूर होती है। इसके अलावा मोटापा भी दूर होता है, फाइब्रॉइड की साइज भी रिड्यूस होती है। कम से कम 2 से लेकर 3 मिनट तक चक्की चलान आसन आपको करना है, डेली करना है, सुबह शाम करें तब ज़्यादा बेहतर है। अब करते हैं उल्ट्रासन या कैमल पोज। अपनी नीज के ऊपर खड़े हो जाएं, बॉडी को थोड़ा पीछे की तरफ बेंड करते हुए दोनों हाथों को एक एक कर अपने एंकल्स के ऊपर टिकाएं। इस पोज में रुकें। आप फील करेंगे उल्ट्रासन योगा पोज में हमारे एब्डोमिनल मसल्स में खिंचाव होती है, हमारे यूट्रस मसल में खिंचाव होती है, ओवरी में खिंचाव होती है, जिसके कारण ओवरी सिस्ट जैसी समस्या दूर होती है, फाइब्रॉइड की साइज भी रिड्यूस होती है। इस पोज में हमारी नेक में स्ट्रेचिंग होती है, जिसके कारण थायराइड डिसीज भी कम होती है, ठीक होती है, मोटापा दूर होता है। इस तरह इस योगा पोज के बहुत सारे लाभ हैं। ये सभी योगा करने से फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। ड्यूरेशन मिनिमम 30 सेकेंड्स, मैक्सिमम 1 मिनट। 2 से लेकर 3 बार तक आप दोहरा सकती है। सर्वांगासन योगा पोज। पीठ के बल लेट जाएं, कमर को हाथों से सपोर्ट देते हुए लेग्स को ज्वाइन कर ऊपर उठाएं। यह है सर्वांगासन। सर्वांगासन योगा पोज में हमारी ब्लड सर्कुलेशन अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होती है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स की तरफ इंक्रीज होती है, जिसके कारण हमारे यूट्रस, ओवरी, लीवर इत्यादि में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने के कारण ओवरी सिस्ट ठीक होती है। यह है हलासन योगा पोज। हलासन योगा पोज की स्टेप्स मैं बताते आई हूँ। पहले सर्वांगासन योगा पोज में बॉडी को लाना है, फिर लेग्स को अपनी हेड की तरफ मूव करते हुए बेंड करते हुए फ्लोर के ऊपर टिकाना है। यह है पूर्णोत्तासन योगा पोज। इन दोनों योगा पोज को करने से हमारे यूट्रस में एब्डोमिनल मसल्स में ऑक्सीजन फ्लो और ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है, जिसके कारण टॉक्सिन्स बाहर निकलती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स एनहेंस होते हैं, उनकी कार्य करने की क्षमता में सुधार होता है, फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। अपनी क्षमता के अनुसार इस योगा पोज में रुके। जिन लोगों से यह योगा पोज ना हो पाए वे लोग कृपया करके अपनी अंगों के ऊपर दबाव न दें। आपसे जो योगा पोज हो सके वही योगा पोज करें। प्रेगनेंसी के दौरान ये सभी योगा पोज आपको नहीं करना है, इस बात पर विशेष ध्यान दें। अब करते हैं त्रियक ताड़ासन। लेग्स को थोड़े डिस्टेंस में रखकर खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को हेड के ऊपर ले जाएं, फिंगर्स को इंटरलॉक करें, बॉडी को राइट डायरेक्शन फिर मिडल में लाएं, फिर लेफ्ट डायरेक्शन में बेंड करें। जितना आप अपनी बॉडी को बेंड कर सकती हैं उतना ही बेंड करें। त्रियक ताड़ासन योगा पोज करने से फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है, ओवरी सिस्ट ठीक होती है, साथ में दोस्तों मोटापा भी दूर होता है, कमर की चर्बी कम होती है। त्रियक ताड़ासन योगा पोज
आप प्रेगनेंसी के दौरान ना करें। इस योगा पोज के भी बहुत सारे लाभ हैं। मिनिमम ड्यूरेशन है 1 मिनट, लेकिन अगर आपसे बहुत देर तक हो सके तब आप बहुत देर तक कर सकती हैं, क्योंकि ओवरी स्ट्रेस तभी ठीक होगी जब हमारे अंगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। फॉरवर्ड बेंड, खड़े होकर के दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए अपनी बॉडी को सामने नीच के ऊपर बेंड करें। हेड को नीच के ऊपर ले जाना है, फिर वापस स्टार्टिंग पोज में लाना है। कम से कम 1 मिनट तक फॉरवर्ड बेंड आपको करना है। इसको करने से हमारे यूट्रस के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ओवरी जैसी समस्या दूर होती है, यूट्रस हेल्दी रहती है। प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना है, आपका मोटापा दूर होगा, बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल कम होगा। एस्ट्रोजन लेवल बढ़ने के कारण ही बीमारियां होती है, इसलिए अपने एस्ट्रोजन लेवल को योगा के जरिए रिड्यूस करें। ये सभी योगासन करने से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है। दोस्तों, सूर्य नमस्कार आप डेली करें, इससे आपके ओरल सिस्ट की समस्या दूर होगी। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए बॉडी को सामने बेंड करें। सांस भरते हुए अपने एक लेग को पीछे ले जाएं, सांस छोड़ते हुए अपने दोनों लेग्स को पीछे ले जाएं। चेस्ट को फ्लोर के ऊपर सटाएं और कुंभक करें। इनहेल के साथ बॉडी को ऊपर उठाएं, एक्सहेल के साथ माउंटेन पोज में आएं। इनहेल के साथ अपने एक लेग को सामने ले जाएं, एक्सहेल के साथ दूसरे लेग को भी सामने ले जाएं। इनहेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। सूर्य नमस्कार आप डेली करें, कम से कम 5 मिनट तक करें। सूर्य नमस्कार करने से मोटापा दूर होता है, ओवरी सिस्ट जैसी समस्या दूर होती है, फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। इस तरह सूर्य नमस्कार के अनंत लाभ हैं। जो महिलाएं सूर्य नमस्कार डेली करती हैं उन्हें बीमारियां नहीं होती हैं। साथ में हमारी बॉडी के संपूर्ण अंग स्वस्थ रहते हैं। सूर्य नमस्कार का प्रभाव हमारी पूरी बॉडी के ऊपर पड़ता है। जिन महिलाओं के पास योगा करने का टाइम नहीं है, वे लोग सिर्फ सूर्य नमस्कार करके ही बीमारियों से मुक्त हो सकती हैं, अपनी ओवरी सिस्ट को ठीक कर सकती हैं। थैंक यू एवरीवन।